साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी के प्रख्यात कवि व वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री श्री लीलाधर जगूरी जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन कीजिएगा श्री जगूरी जी का। देहरादून में एक नई रिवायत शुरू हुई है और मैं समझता हूँ कि भारत के किसी भी शहर में शायद इतने लिटरेरी फेस्ट लगातार नहीं हुए हैं जितने कि देहरादून में हो रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में हो रहे हैं। ये हम सब के लिए संतोषजनक बात भी है और उत्साहजनक, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि मेले कोई नई संस्कृति नहीं है हमारे लिए। मेलों की मेले हमारे यहाँ बहुत होते रहते हैं और बहुत हुए हैं, और सबसे बड़ा मेला तो कुंभ मेला है, वो भी हमारा ही है। पुस्तकों के मेले जब से शुरू हुए हैं, मेलों का अभिप्राय बदल गया और कोई चीज, कोई ट्रेडिशन, कोई रवायत ऐसी हो कि जो अभिप्राय बदल दे, उससे एक सांस्कृतिक परिवर्तन की आहट है। और ये जो पुस्तक मेले हैं, मैं अगर ये याद करूं कि मनुष्य के जीवन में सबसे पहले पुस्तक कब आई होगी, किताब कब आई होगी, क्योंकि हमारे यहाँ सरस्वती की जो प्रार्थना है वो पुस्तक धारिणी के रूप में है, वीणा वादिनी के रूप में है। और रचनात्मक जितने संसाधन हमारे जीवन में मनुष्य द्वारा उत्पन्न किए हुए, प्रतिष्ठित किए गए हैं, उन सब का उल्लेख करते हुए सरस्वती का स्मरण किया जाता है। बहुत सारे लोगों के लिए सरस्वती केवल एक महिला की तस्वीर हो सकती है, एक स्त्री की तस्वीर हो सकती है, लेकिन एक पुराने राइटर हुए हैं आनंद वर्धन, जिनकी किताब का नाम ध्वन्यालोक है, उससे पहले फोनेटिक्स का इस्तेमाल होता रहा होगा, लेकिन भारतवर्ष में शब्दों में ध्वनि का समावेश और ध्वनि में अर्थ का समावेश होता है, ये अवधारणा आनंदवर्धन ने उत्पन्न की। ये कश्मीर के थे और कश्मीर के थे एक दूसरे भामा। एक और भी हैं भट्ट, और उनका मैं नाम भूल रहा हूं। समकालीन लेखकों में जैसे एक डिबेट होती है और एक प्रतिस्पर्धा भी रहती है, एक सौहार्द भी रहता है, एक वैमनस्य भी रहता है, क्योंकि लेखक भी मनुष्य ही होते हैं। मनुष्यों की सारी उत्कृष्टताएं और सारी निकृष्टताएं लेखकों में भी होती हैं। तो आनंदवर्धन ने कहा कि आनंदवर्धन की आलोचना करते हुए भामा ने कहा कि मैं इनको बड़ा लेखक नहीं मानता हूं, क्योंकि इन्होंने जब ध्वन्यालोक की इतनी तारीफ की, विद्वानों ने कहा कि ये तो बिल्कुल आपने स्फोट सिद्धांत, ध्वनि का स्फोट सिद्धांत, मैंने जैसे एक अंकुर फूटता है मिट्टी को हटा के, मिट्टी बड़ी कठोर होती है, कठोर से अभिप्राय बावजूद इसके कि हम जमीन को हल देते हैं, सींच देते हैं, सब कुछ है, फिर भी उसमें एक ऐसी परत आती है, एक छोटा सा नन्हा सा अंकुर इतनी शक्ति के साथ उसका प्रादुर्भाव होता है कि उसको फाड़ के बाहर आ जाता है। और बहुत सारी जगह पर तो पत्थरों के नीचे से निकल आते हैं अंकुर। ये स्फोट सिद्धांत है, और इसके लिए आनंदवर्धन ने कहा कि मेरी सरस्वती एक सरस्वती तत्व है, मैंने नहीं की सरस्वती की प्रार्थना। भामा ने कहा कि आप तो ट्रेडिशन के खिलाफ चले गए हैं, परंपरा के खिलाफ चले गए आप, तो हम आपको नहीं मानते। तो उसने कहा कोई फर्क, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैं सरस्वती को एक तत्व मानता हूं, एक विजडम को मैं तत्व मानता हूं।
तो सरस्वती को मैं एक देवी नहीं मानता, मैं एक देवता नहीं मानता, मैं एक पुरुष नहीं मानता, मैं एक स्त्री नहीं मानता, मैं उसको एक सरस्वती तत्व मानता हूं। और सरस्वती तत्व हर प्राणी में होता है, चाहे वो होशमंद हो बेहोशमंद हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी सरस्वती सब में होती है। कालांतर में जाके हमने सरस्वती को एक साड़ी पहना के, एक वीणा उसके हाथ में रख के, किताब रख के, एक माला रख के, उसको एक ऐसा आकार दे दिया कि ऐसा लगा कि जैसे यही आकार तक सीमित है, इसी आकार तक सीमित है सरस्वती। लेकिन आनंद वर्धन कहते हैं कि सरस्वती, और तुलसीदास ने भी उसका इस्तेमाल किया है रामचरितमानस के पहले श्लोक में, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अभी जो कहा उन्होंने, तो उनका अभिप्राय ये है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो मैं किसकी प्रार्थना करूं, राम की नहीं की उन्होंने पहले प्रार्थना, उन्होंने कहा मैं अक्षरों की प्रार्थना, वर्णानाम, वर्ण माने होता है अक्षर, अल्फाबेट, वर्तनी कर में जो हम इस्तेमाल करते हैं वर्ण, वर्ण जाति वाचक नहीं है, वर्ण के कई अर्थ हैं, वर्ण का एक अर्थ रंग है, वर्ण का एक अर्थ जाति है, और वर्ण का एक जो प्रारंभिक और प्रिमिटिव मीनिंग है इसका वो सरस्वती, वो अक्षर है। और अक्षर इसलिए है क्योंकि उसका पतन नहीं हो, उसका क्षरण नहीं होता, वो विनष्ट नहीं होता, इसलिए वो अक्षर है। पहले लिखित स्वरूप नहीं था वर्ण का, बहुत बाद में लिखना सीखा मनुष्य ने, पहले भाषा बोलने से पैदा हुई, इसीलिए उसे जुबान भी कहा जाता है। तो जब वर्णानाम अर्थ संघानाम तुलसी कहते हैं रामचरितमानस के प्रारंभिक श्लोक में किसी की प्रार्थना नहीं की, उन्होंने कहा वर्णों की प्रार्थना कर रहा हूं मैं, वो जुटते हैं और शब्द पैदा हो जाते हैं, शब्द आते हैं और अर्थ पैदा हो जाते हैं, ये ताकत है उन वर्णों में कि वो जुट जाएं, मेरे फेवर में आ जाएं, मेरे कथे के फेवर में आ जाएं, तो फिर मैं कुछ अपनी बात हूं। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि, और उनकी ताकत देखिए उन अक्षरों की, कि जो ही हम उस शब्द का रूप में उन अक्षरों को सुनते हैं हमारे भीतर रसानुभूति पैदा हो जाती है, हमारे भीतर अर्थ पैदा हो जाते हैं, वरना नहीं तो वो तो डिफरेंट लेटर्स हैं, बस केवल लेटर्स हैं। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम अर्थों का समुच्चय बनकर जब वो आते हैं, और तब वो रसानाम छंद, तब वो रस और छंद का की उत्पत्ति कर देते। इस तरह के जो रूप हैं शब्दों के, अभिव्यक्ति के, अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक स्वरूप है कविता। सबसे पहले जो हमारी मैथोलॉजी से याद आ रहा है कि आज जिनको पुरस्कार मिला है साहित्य अकेडमी का, रमेश कुंतल मेघ जी, जिनका नाम आपने पढ़ा होगा, उन्होंने मैथोलॉजी पर किताब लिखी, दुनिया की जितनी मैथोलॉजी है उस पर है वो किताब, जिस पर पुरस्कार मिला है, बहुत अच्छी किताब है। दुनिया की जितनी मैथोलॉजी है उसके उद्भव के कारण, उसके संग्राम, उसकी परिणति, और क्या हमने उन मैथोलॉजी के माध्यम से मनुष्य ने क्या क्या कहाँ कहाँ किस भूगोल में किस इतिहास में किन परिस्थितियों में क्या क्या पाया, ये सब है, बड़ी अच्छी किताब है। मैथोलॉजी हमारे इन पुस्तक मेलों के और पुस्तक की अवधारणा में किस तरीके से शामिल रही है उसका एक उदाहरण नहीं दिया जा सकता, अनेक उदाहरण है। और हम लोग मेलों से पुस्तक मेलों तक और यहाँ से मॉल तक पहुँच गए, ये मॉल भी अब मेलों का ही एक विकसित रूप है, एक परिवर्तित स्वरूप है,
अब वो अब मेला नहीं कहते हैं, वे कहते हैं मॉल लग रहा है वहां सर, छोटे छोटे पहले छोटे छोटे सामान के मेले लगते थे, अब छोटे छोटे हों बड़े बड़े हों सबके मॉल हैं, मॉल में जाइए मेले का माहौल मिल जाएगा। तो मेले के भी थोड़ा सा यात्रा देखनी चाहिए हमको कि किस किस तरीके से हमारे मेले यात्रा कर रहे हैं। पुस्तक मेला अपने आप में आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन इनकी विशेषता यह है कि वहां आपको एक लेखक से मुलाकात हो जाती है, अनेक लेखक मिल जाते हैं, उनके कृतित्व से आप परिचित होते हैं, उनके विचारों से परिचित होते हैं, और सबसे बड़ी भारी बात यह कि उस अवधारणा से परिचित होते हैं जो ज्ञान यात्रा की अवधारणा है। पुस्तक शब्द बहुत पुराना नहीं है, पुस्तक शब्द तो मध्ययुग के आसपास का है और इसकी शुरुआत चर्म पत्रों से हुई है। लोगों को शायद आपत्ति होगी इसमें, पर मैं बता दे रहा हूं, चमड़े के जो टुकड़े होते हैं उनके उनकी परत से पुस्तक शब्द आया है। किताब शब्द जो है वो किताबत से आया है, ग्रंथ नुमा कोई चीज आप गूंत दें, कोई चीज सिल दें तो वो ग्रंथ है। ग्रंथ का मतलब ये नहीं है कि 500 पेज का कोई कोई महान काव्य या कोई महान उपन्यास या अब वो उस रूप में प्रचलित हो गया उसका अर्थ। ग्रंथ का मतलब है संग्रहित सिला हुआ, जिसको एक जगह आपने नथी करके रख दिया है। पुस्तक का मतलब था उस जमाने में कि चर्म पत्र इकट्ठे किए और उस पर कुछ लिख दिया।